का बयान उन्होंने ये कहा है कि एक कैंपेन भी शुरू करना पड़ेगा, और जो पहले जो धर्म स्थल जो है वो जिनको नुकसान पहुंचाया गया है, तोड़े गए, उनको रिस्टोर किया जाएगा। क्या कहना है सर आपका? संविधान है, कानून है, इसी संसद ने पास किया था 1991 में, और यह तय किया गया था कि 1947 का स्टेटस को बहाल रहेगा सिवाय राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के। ये व्यक्ति कर क्या रहे हैं? पूरे देश में आग लगाना चाहते हैं। प्राथमिकता क्या है? रोजगार ना, बेहतर स्वास्थ्य? उस पर तो कभी मुंह खोलते नहीं सुना मैंने इनको। क्या बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? ये जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार हो रहा है ना आपके यहाँ से, ये देश को लील जाएगा। बस कुछ कह नहीं सकता, आगाह कर रहा हूँ। सर लेकिन जो संसद से बनाया गया जो कानून था जिसमें कि राम मंदिर को छोड़कर के बाकी धर्मस्थल को यथास्थिति बनाने की बात थी, बनाए रखने की बात थी, उसके बावजूद तमाम मुकदमे देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे हैं अलग अलग धर्मस्थलों को लेकर के, तो क्या कोर्ट को भी इस बारे में कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐसा इंस्ट्रक्शन सेट नहीं होना चाहिए कि मैं बिल्कुल मैं सहमत हूं इस बात से। फिर तो अभी जो इतनी बात है, संसद यही संसद थी ना, भाजपा का भी सदस्य थे। मैं मानता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस मुल्क की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, नहीं तो जालीदार टोपी वाले, बयान देने वाले, शमशान कब्रिस्तान में देश को उलझा के रखने वाले लोग ना हमें कभी भी अपनी ट्राजेक्टरी को फॉलो नहीं करने देंगे। क्या बना के रख दिया है इस देश को, और ये व्यक्ति देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं। सर स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को जो बयान दिया उसके बाद कई तरह की धमकियां कई जगहों से उन्हें मिली हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि अगर किसी धर्म के बारे में बोलने पर ये होता है कि सर काट दिया जाएगा, जीभ काट दिया जाएगा, तो ऐसी धमकी अगर मुझे भी दी जा रही तो क्या वो लोग आतंकवादी नहीं है जो देखिए, मैं तो सीधे मानता हूं कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम बदल गया है इस देश का। अब अपने प्रश्नों का ही विश्लेषण करिए ना, कितने प्रश्न स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार से होते हैं। मैंने पहले भी कहा था, हमारे संविधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने की बात की गई थी। कोई भी ग्रंथ हो, किसी भी धर्म का हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिए, उसका विश्लेषण करिए। लेकिन पूरा इकोसिस्टम अगर इसी के इर्द गिर्द घूमने लगेगा ना, हम बहुत पिछड़ जाएंगे। यूं भी हम बहुत पिछड़ रहे हैं दुनिया के अन्य मुल्कों के बनिस्बत। सर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर पहुंच चुकी है, आज फिर रिज्यूम होगी। उस बीच कल जो खबर आई थी कि सुरक्षा में चूक हुई है, हालांकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो वहां की लोकल पुलिस है उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया कि सुरक्षा में चूक नहीं हुई थी, बल्कि लोग इतनी बड़ी तादाद में आ गए थे जिसके बारे में आयोजकों को भी नहीं पता था। आज जो यात्रा है उसमें महबूबा मुफ्ती भी शामिल होंगी, कल उमर अब्दुल्ला भी शामिल होंगे, क्या कहना है देखिए सर? कुछ नहीं है, सुरक्षा में चूक कहीं भी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के लिए हो, वो सहज नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। लोकल पुलिस का भी काम होता है कि एस्टिमेट करना, जो सुरक्षा में एजेंसीज हैं उनको ये करना होता है, ये उनकी जॉब का हिस्सा, उनके प्रोफेशनल ब्रीफ का हिस्सा है कि वो एंटिसिपेट करते हैं। मैं समझता हूँ उसमें तो कहीं ना कहीं चूक रही। जाहिर है कि इस यात्रा को हमारे दल की ओर से, हमारे नेता की ओर से मैसेज साफ है कि ये यात्रा जिस मकसद के लिए निकली है उसके लिए इस देश में बहुत बड़ी स्पेस है, बहुत बिखरे हैं, बहुत टूटे हैं हम बीते 8-10 वर्षों में, उसको रिपेयर करने की ज़रूरत है। सर कश्मीर में जिस तरह कश्मीर में से जो तस्वीरें आ रही है, पहले उमर अब्दुल्ला शामिल हुए, महबूबा मुफ्ती भी शामिल होंगी, क्या इसका पॉलिटिकल मैसेज देखिए जाएगा? पॉलिटिकल मैसेज सिर्फ कश्मीर में क्यों देख रहे हैं? ये मैं समझता हूँ डॉग विसल पॉलिटिक्स करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर को नॉर्मेलिटी चाहिए, वहाँ के लोगों को, चाहे जम्मू के हों, कश्मीर के हों, लद्दाख के हों, उनसे उनकी नॉर्मेलिटी छीन ली गई है। नॉर्मल नहीं है जिंदगी, भले आप दिल्ली में आलिशान कमरों से बैठ करके नॉर्मल नॉर्मल चिल्लाते रहे, है नहीं। खुद हाल में एलजी साहब का बयान क्या था कि यहाँ जो दुर्भाग्यपूर्ण हत्याएं होती है ना, उसको मजहब के चश्मे से, धर्म के चश्मे से मत देखिए। यही बात तो लगातार लोग कह रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से लोग शामिल हो रहे हैं ना, संदेश साफ है। अगर आप कहते हैं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो उसके साथ भिन्न व्यवहार मत करिए, ये संदेश। सर बीते कुछ दिनों में सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे कि ऐसा लगता है कि जो ज्यूडिशरी है और जो सरकार है उसके बीच में कहीं ना कहीं कुछ
ठीक नहीं चल रहा है। किरण रिजू ने कुछ नसीहतें दी थी, अब जवाब में पूर्व जज आरएफ नरीमन का बयान आया है, जिसमें कि उन्होंने उस बयान को लेकर के बहुत सारी बातें कही। साथ ही जो कोलिजियम सिस्टम को लेकर के उन्होंने कहा है कि कोलिजियम सिस्टम में अगर सरकार हस्तक्षेप करती है तो ये भी जुडिशरी के लिए ठीक देखिए, नहीं रहेगा। नरीमन साहब सिर्फ एक आम वकील मत कहिए उनको, एक लंबा इतिहास है। नरीमन साहब को इंडियन ज्यूरिसप्रूडेंस और जुडिशियल हिस्ट्री से निकाल दिया जाए ना, तो एक बड़ा वैक्यूम हो जाएगा। उन्होंने अगर संदेश दिया है तो गंभीरतापूर्वक हो। देखिए, मसला वो नहीं है, एनजीएसी आना चाहिए, अपॉइंटमेंट का प्रोसेस बदलना चाहिए। हमारे दल का तो ये मानना है कि उसमें संविधान में जिन वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व का है वो उसमें हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ये जो लेजिस्लेचर सुप्रीम है, एग्जीक्यूटिव ये कर सकता है। इस तरह की बयानबाजी ना एक खतरनाक संकेत देती है, जिसकी ओर उन्होंने इशारा किया है कि आपकी कोशिश है कमिटेड जुडिशियरी हो जाए। जिस दिन कमिटेड जुडिशियरी हो गई ना, कुछ नहीं बचेगा। द लास्ट होप शैल बी द लॉस्ट होप। सर, बीबीसी के द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को लेकर के, उसको दिखाए जाने को लेकर के और नहीं दिखाए जाने को लेकर के तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं। कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में, इन सब तमाम जगहों पर जो है विरोध हुआ। एक गुट कहता था कि हमें दिखानी है डॉक्यूमेंट्री, दूसरा गुट विरोध कर रहा था और ये विरोध हिंसा तक पहुंच जा रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर। क्या देखिए, कहना है? मैं इसलिए कहता हूं, जिस देश में अब तो गोडसे पे फिल्में बना रहे हैं, जिस देश में एक मेंबर पार्लियामेंट ये कह दे कि गोडसे सबसे बड़ा देशभक्त है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो, तो मैं समझता हूं बहुत त्वरित कार्रवाई करके ना एक मेच्योर डेमोक्रेसी का संकेत हमने नहीं दिया। अरे बहुत मजबूत है जड़ें हमारी, तमाम चीजों के बावजूद जिन्हें देखना था वो देखते, जिन्हें नहीं देखना था नहीं देखते। ये जो हुआ है ना, उसकी वजह से आप पूरा का पूरा जो हमारा जो हमारी अपने कॉग्निटिव फ्रेम तक को आम इंसान के उसको तहस नहस करके देख रख दिया। क्या हासिल हुआ सरकार को मुझे नहीं मालूम, शायद उतने लोग देखते भी नहीं, लेकिन अब इस बैन के बाद उत्सुकता कई लोगों में जन्म ले रही है। जाहिर तौर पर मैं बार बार दोहराता हूं, मेच्योर डेमोक्रेसी शुड बिहेव डिफरेंटली। सर, सिर्फ इसी फिल्म का विरोध नहीं, कई फीचर फिल्मों का भी विरोध होता है। और कल SCO फिल्म फेस्टिवल में जिस तरह से सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा, अनुराग ठाकुर ने, कि जो ये एक ट्रेंड चल पड़ा है, ये ट्रेंड अच्छा नहीं है, ये कल्चर अच्छा नहीं है कि किसी भी फिल्म का विरोध करने लगे। बहुत अच्छा, लेकिन ये अच्छा है गोली मारो साले को? ये बयान किन का था? उन्हीं का था ना। आप बहुत कुछ कर सकते हैं फिल्मों के बारे में समझ के लिए, सिनेमाटोग्राफी एक विधा है, उस विधा को जाने बिना मुझे तो लगता है आज पथेर पांचाली नहीं आ पाती। जाने भी दो यारों, बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, करप्शन की बात थी उस दौर की सरकार, और ये याद रखिएगा गवर्नमेंट ने फंड की थी, NFDC की फंडिंग थी। कर पाएंगे आप? सलीम लंगड़े पे मत रो ना। ये हमने 8-10 वर्षों में पूरे क्रिएटिव वर्ल्ड का खात्मा कर दिया। सर, एक आखिरी सवाल है, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के जिस तरह से लगातार समय समय पर प्रूफ मांगे जाते हैं, अभी कांग्रेस के दो नेताओं ने प्रूफ मांगा, आर्मी की तरफ से बयान आया है, GOC लेफ्टिनेंट जनरल आर पी कलिता ने साफ कहा है कि जब कोई फौज ऑपरेशन करने जाती है तो वो अपने साथ सबूत लेकर के नहीं जाती है। ये बात क्यों क्यों चलाई जा रही है, मैं समझ ही नहीं पा रहा। हमने तो लगातार ये कहा कि दो अलग अलग चीजें हैं। इससे पहले भी आर्मी ने स्ट्राइक्स की, वो सीक्रेट मिशन होता है, उसको अनकवर करके हम पब्लिक नहीं करते। लेकिन हाँ, पुलवामा में जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ उसके लिए जो कमेटी बनी, वो जाहिर है कि आप छोटा सा ही एक समूह संसद का, वहां उस पर चर्चा करिए। जिन घरों के चिराग बुझे हैं ना, उसकी भरपाई नहीं हो पाई है, मुआवजा भरपाई नहीं कर देता, मेडल भरपाई नहीं करता, पिता वापस नहीं लाता। इस नजरिए से कम एक बार बात हो कि दूसरी बार हमारे मुल्क में पुलवामा जैसी घटना ना हो।